दोस्तों 30 साल पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी, प्यासा कौवा। आज 30 साल के बाद जब मैंने स्कूल विजिट किया तो बच्चा ये पढ़ रहा था। एक चेड़दा जिकर सी, एक कौवा बड़ा ही प्यासा सी, वो पानी दी तलाश च इधर उधर उड़न दिया सी। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुआ और परेशान हुआ। आप जानते हैं कि 30 साल के अंदर हम ख़तों से निकलकर, सोनी एरिक्सन के वो छोटे से फ़ोन से निकलकर, आज पैड, कंप्यूटर, लैपटॉप, जदीद आप देखते हैं टच स्क्रीन एलसीडीज़ तक पहुंच चुके हैं। आज मार्स पर जो है वो घर बनाने की बात हो रही है। आज जो है वो बुलेट ट्रेन्स चल चुकी हैं हर जगह, और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इस 30 साल के अंदर कितना जदीद हो चुका है। दुबई के बारे में अगर बात करें तो आप जानते हैं कि 30 साल के अंदर अंदर दुबई ने ख़ुद को ऐसा बना लिया है कि यूरोप के लोग वहाँ आना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन हमारा कौवा अभी तक प्यासा है। जी हाँ, हमारा कौवा अभी तक प्यासा है। और आप ये देखें कि इवन पाकिस्तान में भी जिन लोगों का कौवा प्यासा नहीं है, उनके बच्चे बड़े बड़े काम कर रहे हैं, वो दुनिया के मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर अपना नाम बना रहे हैं, और दुनिया में भी 8-10 साल के बच्चे बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं, लेकिन हमारा कौवा अभी तक प्यासा है। उसके ज़्यादा मज़े की बात मैं आपको ये बताऊं कि जब मैंने किताब पकड़ी तो उससे आगे वाली जो कहानी थी, आप जानते हैं वो कहानी क्या थी? आपने ज़रूर पढ़ी होगी, अंगूर खट्टे हैं। ये पढ़ने के बाद मुझे यकीन हो गया कि हमारे अंगूर सच में खट्टे हैं। हमारे यहाँ इतने ज़हीन दिमाग क्यों नहीं पैदा हो रहे? हमारे यहाँ वैसे बच्चे क्यों नहीं हैं जिनके जहन में ये है कि हमने बड़े होकर बिजनेस करना है? हमारे यहाँ यही प्रोग्राम क्यों किया जा रहा है कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें मजदूरी करनी है, और हमने, या फिर अगर कुछ ना हो सका तो कुछ पैसे जमा करके हमें यहाँ से, मुल्क से फरार हो जाना है, बाहर जाके मजदूरी कर लेंगे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं करना हमने। और दूसरा ये कि अगर बेसिक लेवल पे, बुनियादी लेवल पे हमारा तालीमी निज़ाम नहीं बदल सका 30 साल में, तो मैं यकीन रखता हूँ कि अपर लेवल पर भी नहीं बदला होगा। और इसके बारे में आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। कहना मैं ये चाहता हूँ कि अब एटलीस्ट 30 साल से ये कौवा पानी पी रहा है, अब इसका पेट भर जाना चाहिए, अब इसे प्यासा नहीं होना चाहिए, अब हमारे जो अंगूर हैं उनको मीठा हो जाना चाहिए, अब हमें इन कहानियों से निकल आना चाहिए, हमें हमारे बच्चों को नया सिलेबस देना चाहिए, नई सोच देनी चाहिए, उन्हें ये बताना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। अगर आप मेरी बात से अग्री करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मज़ीद इस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ होगी मुलाकात फिर एक नए प्रोग्राम में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।